अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्श फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। चलिए आज मैं बना रही हूँ चिकन बर्रा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। चलिए बताती हूँ मैं सारी रेसिपी चिकन बर्रा कैसे बनता है। ये देखिए मैंने 1.5 kg चिकन लिया है जिसे मैंने अच्छे से साफ धो लिया है। मैं बताती हूँ सारे मसाले क्या क्या लेना है हमें। ये देखिए मैंने चिकन को बीच से काट लिया है क्योंकि ये अच्छे से गल सकता है इसे काटने से। बड़े छोटे पीसेस दोनों मैंने लिए हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ सारे मसाले की रेसिपी। मैंने 2 प्याज लिया जिसे मैंने मीडियम साइज काट के ब्राउन कर लिया है जिसे हमें पीसना है। ये धनिया पत्ती, हरी मिर्च, 1 नींबू लिया मैंने, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, ये ब्राउन किया प्याज, इन तीनों को मैं मिक्स करके पीस लिया है। 1 चम्मच 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच मैंने लिया है दही, ये मैंने लिया नमक टेस्ट के अनुसार, ये काली मिर्च पाउडर है, यह हमारा लाल तीखी मिर्च पाउडर है, ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये हमारा चाट मसाला है, ये फूड कलर है, ये मैंने गरम मसाला लिया है, ये कस्तूरी धनिया लिया है मैंने। अब इन तीनों को मैं पीस लूँगी। चलिए पीस के बताती हूँ। ये देखिए मैंने पीस लिया है हरी मिर्च, धनिया और ब्राउन किया हुआ प्याज। अब इसे मैं चिकन में ऐड करूँगी। हमारा ये पीस के रेडी हो चुका है। चलिए मैं चिकन में डालती हूँ, ये सारे मसाले मैं डाल देती हूँ चिकन में। अब मैं ऐड कर रही हूँ ये जो हमने नींबू लिया था 1 ठो, उसे मैं डाल दूँगी, मतलब कि उसका जूस डाल दूँगी। कस्तूरी धनिया सब मैंने सब कुछ डाल दिया है। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। ये पिसा हुआ हरी मिर्च वगैरह सब जो मैंने पिसा था उसे भी मैं डाल दूंगी। अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें दही। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। मिला करके 1 घंटे हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में। जब हमारा 1 घंटा हो जाएगा तब इसे हमें पकाना है। ये देखिए हमारा 1 घंटा हो चुका है, कितने अच्छे से हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम पकाने की तैयारी करते हैं। ये मैंने लिया पैन, पैन में हमें बटर ऐड कर। ये देखिए हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी बटर। मैंने अमूल का बटर लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। ये देखिए हमारा बटर पिघल चुका है, अच्छे से गर्म भी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। चिकन का मसाला मैं ना झाड़ूंगी ना निकालूंगी, इसे बस उठा उठा के इसमें मैं पैन में ऐड करूंगी। इस तरीके से मैंने सारे चिकन को ऐड कर दिया है जिसे मैं लो फ्लेम पे 2 मिनट छोड़ दूंगी क्योंकि हमारा ऑलरेडी चिकन गल चुका है। ये देखिए हमारा पानी छोड़ चुका है चिकन। अब इसे हम उलट देते हैं, सारे चिकन को उलट लेना। ये देखिए मैंने उलट लिया है सारे चिकन को। इसे तेज फ्लेम पे गैस तेज फ्लेम पे करके इसे सुखा लेना। ये देखिए हमारा सारा चिकन सूख चुका है। अब मैं इसे भूनूंगी गैस पे। ये देखिए मैंने जाली लिया है जिस पे मैं चिकन को रख करके भूनूंगी। साथ ही मैं चिकन के ऊपर बटर भी लगाऊंगी क्योंकि इससे चिकन का जलने की खुशबू नहीं आएगी। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से चिकन हो रही है। मैं थोड़े थोड़े करके बटर लगा दूंगी सारे चिकन में। इसी तरीके से हमने सारे चिकन को भून लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप चाहे तो किसी को ऐसी भी दे सकते हैं सैलेड के साथ। ये देखिए मैंने सारे चिकन कितने अच्छे से भून लिया है।
अब चलिए ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी मैंने लिया है 2 चम्मच बटर, साथ ही मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। अब इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी। मैंने जो चिकन का मसाला था उसे भी मैंने ऐड कर लिया था, जो चिकन भुनने के बाद मसाला उसमें का निकला है उसमें उसे भी मैं इसी में ऐड कर लिया। अब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। मसाला को हमें 10 मिनट तक अच्छे से भूनना है। ये देखिए, साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चाट मसाला, साथ ही में नमक, क्योंकि नमक हमने कम लिया था। अब हमारा नमक परफेक्ट हो जाएगा टेस्ट के अनुसार। इसे अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, हमारा मसाला भून चुका है, हमारा ऑयल बटर दोनों छोड़ चुका है मसाले से, इसका मतलब मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध, आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर दूध से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, पानी से टेस्ट अच्छा नहीं आता है। साथ ही मैं इसे 2 मिनट भून लूँगी। और ये देखिए, मेरा मसाला दूध के साथ भून चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। अब इसे अच्छे से मिला लेना है सारे मसाले को चिकन के साथ। ये देखिए, मैंने लिया है अमूल का फ्रेश क्रीम, इसे मैं चिकन में डाल दूँगी और इसे ज़्यादा नहीं 2 मिनट और पकाना है हमें। हमारा चिकन बर्रा बनके रेडी हो चुका है, क्योंकि हम ज़्यादा पकाएंगे तो क्रीम का स्वाद बदल जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हमारा इतने ही पक के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा चिकन बर्रा बनके रेडी हो चुका है। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखना। फिर मिलती हूँ इस वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।